राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम बकरी का बच्चा और भेड़िया। एक बकरी थी, बकरी के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ साथ रहते थे। जहाँ वो जाती बच्चे भी उसके साथ साथ जाते। एक दिन बकरी ने बच्चों से कहा, आज मैं जंगल से घास लाने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। मी, मी, मी। बकरी का छोटा बच्चा बहुत शैतान था। वो चुपके से माँ के पीछे पीछे चला गया। जंगल के पास एक नाला था। नाले के किनारे हरी हरी झाड़ियां थीं। वो वहां पत्तियां खाने लगा। बकरी आगे निकल गई। नाले के किनारे एक भेड़िया पानी पी रहा था। उसने दूर से बकरी के बच्चे को देखा। भेड़िये ने सोचा, आहा, बकरी का बच्चा, आज मैं इसे जरूर खाऊंगा। वो धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, कहो बेटे, क्या कर रहे हो? बकरी के बच्चे ने ऊपर देखा। भेड़िये को देखकर वो बहुत डर गया। वो कुछ भी ना बोल सका। भेड़िया फिर बोला, खाओ खाओ, खूब खाओ, मुझे भी बहुत दिन से खाने को कुछ नहीं मिला, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। बकरी का बच्चा डरते डरते बोला, भेड़िए मामा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। भेड़िया बोला, मुझे बकरी के छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बकरी का बच्चा कुछ सोचने लगा। फिर बोला, मामा, पहले मुझे एक गाना सुना दो, फिर मुझे खा लेना। मैं भेड़िया बोला, गाना, मुझे गाना नहीं आता। बकरी के बच्चे ने फिर कहा, मैं
मेरी माँ तो कहती है भेड़िया मामा बहुत अच्छा गाते हैं। ये सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वो ऊंची आवाज में गाने लगा। कुछ दूरी पर शिकारी कुत्ते जा रहे थे। कुत्तों ने भेड़िये की आवाज सुनी। वो सब नाले की ओर दौड़ पड़े। भेड़िया आंखें बंद किए गा रहा था। इतने में कुत्ते वहां पहुंचे। भेड़िया घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की। पर कुत्तों ने भेड़िये को पकड़ लिया। बकरी का बच्चा तेजी से घर भाग गया। बकरी का बच्चा और भेड़िया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, शांति एस कालरा, नीतू झांझी और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।